पंजाब में धनौला कस्बे का कुख्यात गैंगस्टर गुरमीत सिंह माना उर्फ काला धनौला पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। गैंगस्टर पर 63 से ज्यादा अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें कांग्रेस मंत्री पर फायरिंग, हत्या समेत कई संगीन मामले शामिल हैं। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि एनकाउंटर में काला धनौला की मौके पर ही मौत हो गई, उसके साथ ही भी इस फायरिंग में घायल हो गए। वहीं गैंगस्टर की ओर से की गई फायरिंग में एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। बरनाला जिले के SSP संदीप मलिक ने बताया कि गुरमीत सिंह उर्फ काला धनौला पर धनौला थाने में ही कई मामले दर्ज हैं और कई संगीन मुकदमों में वो भगोड़ा घोषित था। उसकी खोज के लिए AGFT की टीम और बरनाला पुलिस ने कई जगह पर नाकेबंदी कर रखी थी। AGTF की टीम को रविवार को सूचना मिली, उसके आधार पर धनौला के बड़वर गांव में घेराबंदी करके गैंगस्टर काला को सरेंडर करने के लिए कहा गया। इस पर गैंगस्टर ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में काला धनौला की मौके पर ही मौत हो गई। उसके दो साथी सुखचैन सिंह छीना और एक अन्य साथी जो कि फतेहगढ़ के छन्ना का रहने वाला है, इस फायरिंग में घायल हो गए। वहीं पुलिस के दो कर्मचारी इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह और सब इंस्पेक्टर जसप्रीत सिंह घायल हो गए। इस घटनाक्रम में पुलिस को 3 पिस्टल, कई मैगजीन और कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही गैंगस्टर से एक सिल्वर रंग की कार भी बरामद हुई है। घटनाक्रम के बाद सभी घायलों को बरनाला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। काला धनौला की मौत की पुष्टि के लिए उसकी बॉडी को भी सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। गुरमीत सिंह काला धनौला जो कि रीसेंटली साढ़े 2 नंबर FIR जो धनौले थाने के हुई सी, जिसमें भगोड़ा था, जिसमें इन्हें एक जानलेवा हमला सुरेंद्र पाल उर्फ पाला से किया सीगा, उसकी भाल के तहत AGTF की टीम तो बरनाला पुलिस की टीम इन्होंने नाकाबंदी की हुई थी। AGTF की टीम इतने आई सी, उन्होंने को टेक्निकल तो ह्यूमन इंट सीगा कि इस एरिया घूम रहा है। जदों असी उस इनपुट पर काम करते हुए साड़ी टीम AGTF की इतने पहुंची, उन्होंने इन्हों का घेरा पाया तो इन्हों सरेंडर करने वास्ते किया। अनप्रोवोकेटिव फायरिंग शुरू करती, फायरिंग करके उत्थों भजना शुरू करता तो रिटैलीएटरी फायर के जदों अपने AGTF की टीम ने भी फायर किया, गुरमीत सिंह काला धनौला फायर आर्म इंजरीज आई एंड ही सकम टू द इंजरीज। एंड नाल दी नाल जिहड़ी जो गैंगस्टर वालों और उसके टीममेट्स वालों फायरिंग हुई सी, साढ़े 2 मैंबरस जो कि इंस्पैक्टर पुष्पिंदर सिंह और सब इंस्पैक्टर जसप्रीत, उन्होंने भी फायर आर्म इंजरीज आई। इन सारे असी हॉस्पिटल शिफ्ट करता है। इतों सानू 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन स्मॉल आर्म्स, कई मैगजीन्स, लाइव राउंड बरामद हुए हैं। एक होर एक गड्डी जो सिल्वर कलर की हैगी भी बरामद। नहीं, अभी इंजरी सारे असं चेक कराएंगे, मैडिकल होएगा। काले की डेथ हो गई है जी? हाँ जी, ही सकम टू द इंजरी। सर, इस गैंगस्टर की गल करते हो, किस तरीके के जो मामले होर भी दर्ज सी जी? वो ए कैटेगरी गैंगस्टर जिदा मैं तुम्हें दसिया, 67 FIR दर्ज है। 302 दे एक मुकदमे दे विच वो कन्विक्टेड हैगा, हुण बेल ते चल रहा है। हुण भी जिदा रीसेंटली 1 महीने पहला ही उसने 307 का एक होर उहदे ते मुकदमा दर्ज होया, जिहदे विच उहने जानलेवा हमला अपने साथियों नाल बहरहमी नाल कुटमार की थी ते फायर इंजरीज की थी। उह पुलिस मुलाजम भी जख्मी होया जी? हाँ जी, 2 जिदा मैं दस्या AGTF ते साडे 2 मुलाजम इंस्पैक्टर पुष्पिंदर ते सब इंस्पैक्टर जसप्रीत, उन्होंने भी इंजरीज आई हैं। दे हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। सर, जिस तरह भीड़ ने गड्डियां घेरन की भी कोशिश की जो लैके जा रहे थे, तो उस मामले की कहना चाहते हो? कहते नजायज धक्का होया। पिंड के लोगों का कहना कि उत्थे कोई मुंडा गा कि उह जिहदा खेत आ, जिहदा खेत आ। नहीं जी, सारी इन्वेस्टिगेशन जिदा तुसीं देख रहे हो मौके ते तुसीं हैगे हो, असीं जो होया इत्थे लाइव एनकाउंटर होया ते जो राउंड अप होया उन्होंने फायरिंग की है। अभी परचा दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन दे विच सारा कुछ होगा। हाँ जी, थैंक यू।